नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल और कहानी किस्से में चर्चा करेंगे छठ पूजा में काम आने वाली बांस के सूप की। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 8 नवंबर 2024 है, कार्तिक का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 11:56 तक, उसके बाद अष्टमी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:03 तक और उसके बाद श्रवण। शूल योग रहेगा प्रातः 8:28 तक और उसके बाद गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर 12:03 से 9 नवंबर प्रातः 6:39 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:38 से दोपहर 12:03 तक। आज छठ पूजा का पारण रहेगा, दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में चर्चा करेंगे छठ पूजा में काम आने वाले बांस के सूप की। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। दोपहर बाद उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी बॉडी ऑर्गन के बढ़ जाने की आशंका रहेगी। वृषभ राशि, अपने घर का मेंटेनेंस करा सकते हैं आप, अपनों के साथ झील के किनारे अच्छा समय बीतेगा। दोपहर 12 बजे के उपरांत अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करते दिख रहे हैं, लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने से संकेत मिलते हैं, विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि, लेखन के कार्यों में वृद्धि हो सकती है, ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। दोपहर बाद अपने काम से काम रखें, धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं, किसी पर विश्वास न करें। कर्क राशि, सोना खरीद सकते हैं या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं आज आप। दोपहर बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से थके थके से रह सकते हैं, कार्यस्थल में कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है। सिंह राशि, दोपहर 12 बजे तक साहस का प्रदर्शन करेंगे, अपने विचारों को व अपने मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं आप। इसके उपरांत गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई वस्तु मिल सकती है। कन्या राशि, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है, आंखें और कमज़ोर हो सकती हैं या आंखों में कोई समस्या आ सकती है, धन का निवेश करते दिख रहे हैं आप। दोपहर बाद कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है, मन चाहे दोस्तों के साथ आज आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। तुला राशि, आज मन प्रसन्न रहेगा, सफलता और भाग्य साथ दोनों ही दे रहे हैं, उपलब्धि मिलने से आप आनंदित रहेंगे, नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, दोपहर 12 बजे तक जिम्मेदारी का पद प्राप्त हो सकता है, काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है या दो तरह के काम कर सकते हैं आप, इसके बाद कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप, उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है, अनजान व्यक्तियों के साथ आज आप दोस्ती कर सकते हैं। धनुराशि, दोपहर 12 बजे तक समाज सेवी संस्थान से संपर्क बनेंगे, उच्च पद पर आसीन लोगों से मित्रता हो सकती है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, रिसर्च के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। दोपहर बाद अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। मकर राशि, कार्यस्थल पर टेंशन या काम का भार अधिक रह सकता है, स्क्रैप का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको लाभ हो सकता है। दोपहर 12 बजे के बाद सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुंभ राशि, दोपहर तक सरकारी अफसरों से बातचीत हो सकती है, साली के साथ मीठी मीठी बातें हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते दिख रहे हैं। दोपहर के बाद में
गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें, एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आप आज। मीन राशि, 12 बजे से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो दवाएं व्यंजन आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको अवॉइड करें। कोर्ट में लड़ाई के योग बन रहे हैं। खाने से एलर्जी हो सकती है। 12 बजे के बाद कला के खेल के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। छठ पूजा का आज पारण दिवस है और जिस जिसने भी व्रत रखा, जिस जिसने भी ये तपस्या की है, वो आज सूर्य को अर्घ देकर 36 घंटे के बाद कुछ खा पाएंगे या पानी पी पाएंगे। छठ मैया से यही प्रार्थना है कि सभी श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण हो। हमारे त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं किसी न किसी ग्रह से जुड़ी रहती हैं और बहुत सरलता से हमारे कष्टों का निवारण करती हैं। छठ पूजा में बांस का सूप इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छठ मैया को सब सामग्री भेंट की जाती है। वो बुध का कारक होता है, जो वंश वृद्धि का कारक होता है, धन धान्य समृद्धि की वृद्धि करता है। बुध राजकुमार है और यह भी कारण है कि जिन दंपतियों को संतान नहीं है, वे अगर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं तो उनको संतान अवश्यमेव होती है। एक और खास बात है कि बुध के जो देवता हैं वो स्वयं गणेश जी हैं, जो विघ्नहर्ता हैं और बुद्धि के कारक हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ हैं, सौभाग्य और संपन्नता को देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि मांगलिक शुभ कार्यों में किसी न किसी रूप में, किसी भी रीति रिवाज में बांस का इस्तेमाल किया जाता है। बांस मंगल के दुष्प्रभावों को दूर करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है। छठ पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है और बुध सूप के रूप में साथ रहता है, जिससे बुध आदित्य योग बनता है, जो वाणी के दोषों को हरता है। क्रोधी स्वभाव शांत होता है। और भी न जाने कितने अनगिनत तरीके से छठ पर्व हमारे जीवन की परेशानियां दूर करता है और जीवन को सुखी बनाता है, संपन्न बनाता है। छठ मैया की जय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। वर्ष 2024-25 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन अपने से हो, खुद से हो, तो सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस लोक में सबकी अपनी अपनी यात्रा रहती है। तो ये सुनिश्चित कीजिए कि हर रोज़ आप अपने पिछले दिन से अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्सीलेंस अचीव करेंगे। इस वर्ष अपने सभी पेंडिंग काम, अधूरे काम निपटा लें। कोई भी नई शुरुआत ना करें। यह समय खुद के एनालिसिस करने के लिए अच्छा रहेगा। अपने पिछले 9 सालों में जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनका विश्लेषण करें और जो जो भी फिजूल और टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने शेड्यूल से निकाल दें। अगले 9 सालों की प्लानिंग इसी वर्ष कर लें। साल भर के उपाय बताते हैं तो सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, ओंगृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और बुधवार को पक्षियों को दाना डालें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम oneworldnews।